हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, और आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके घर में भी कोई 70+ हैं, यानी कि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, या फिर आपके जान पहचान में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनका उम्र 70+ हो गया है, अगर आप उनका आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि उनका लिस्ट में नाम है या फिर लिस्ट में नाम नहीं हो, आप उनका आयुष्मान कार्ड बहुत ही आसानी से अपने घर बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे आपको हमें आयुष्मान कार्ड उनका अप्लाई करना है, क्या उनका प्रोसेस है, आज इस वीडियो में आपको कम्प्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो अगर आप भी किसी बुजुर्ग का आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं, 70+ वालों का आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा कम्प्लीट देखना होगा। वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई सा एक ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ आपको टाइप करना है beneficiary.nha.gov.in, आपको इतना लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ आपको डेस्कटॉप साइट पर कर लेना है। चलिए डेस्कटॉप साइट पर हम आपको करके दिखा देते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही पोर्टल पर लॉग इन होते हैं तो यहाँ आपको देखने में जाएगा आयुष्मान कार्ड बनाना होगा और भी आसान, और यहाँ आपको देखने में दो ऑप्शन, पहला आपको देखने में बेनिफिशियरी और दूसरा यहाँ पर ऑपरेटर का। तो अगर आपके पास ऑपरेटर आईडी है तो आपको ऑपरेटर आईडी को सिलेक्ट करना है, अगर आपको ऑपरेटर आईडी नहीं है तो बेनिफिशियरी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कैप्चा कोड हमें फिल करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करना है, इसका नीचे आपको देखने में ऑट मोड, आपको वहाँ पर OTP को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से आपको लॉग इन हो जाना है। अगर आपके पास ऑपरेटर आईडी है तो आपको ऑपरेटर आईडी को सिलेक्ट करना है, ऑपरेटर आईडी को सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको देखने में देखते हैं कैप्चा कोड टाइप करना है, आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर को टाइप करना है, वेरीफाइल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मोड देखने को मिलता है जिसपे आधार OTP मोबाइल OTP या फिर फिंगरप्रिंट जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर को OTP को सेंड किया जाएगा, OTP को फिल करना है और यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। अब जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं तो लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा जो भी आपका यहाँ पे स्टेट है स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पूरा डिटेल देखने को मिल जा रहा है जिसमें आपको लिखा हुआ है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और नीचे देखने को यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। उसके बाद आपको देखने को फॉर सीनियर सिटीजन्स ऑफ द एज ऑफ 70 ईयर एंड अबव, आपको यहाँ पे क्लिक हेयर का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको क्या करना पड़ेगा किसी क्लिक हेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक हेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, हेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिला है। यहाँ आपको देखने को वेलकम टू आयुष्मान भारत PMJY स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन ऑफ द एज ऑफ 70 ईयर्स ऑफ मोर, यानी कि 70+ जो है उनका आयुष्मान कार्ड यहाँ से बनाने के लिए आपको उनके आधार कार्ड नंबर को टाइप करना है। उनके आधार कार्ड नंबर को टाइप करने के साथ उनका जो फैमिली आईडी है यानी कि जो राशन कार्ड है वो उसको आपको यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड को टाइप करना है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो उनका यहाँ पर डिटेल शो हो जाएगा और KYC करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप सर्च करिएगा, सर्च करने के बाद उनका डिटेल देखने को मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास कोई 70+ आधार कार्ड है नहीं तो हम आपको करके लाइव दिखा देते। तो इसके बाद यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो उनका डिटेल देखने को मिल जाएगा। इसके बाद उनका KYC करके आपको पूरे सब कुछ डिटेल को आपको फिल करके उनका आयुष्मान कार्ड यहाँ से अप्लाई करके बना लेना है। अप्लाई अब जैसे ही करेगा ये ऑटो अप्रूव हो जाएगा, आपको अप्रूवल के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। जैसा भी KYC करिएगा तो उनका ऑटो अप्रूव हो जाएगा, और यहाँ पे जो उनका डाटा देखने को मिलेगा वो कुछ अलग तरीके का देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपना किसी भी कोई आपके घर में या फिर जान पहचान में 70+ वाले हैं तो उनका आप यहाँ से आयुष्मान कार्ड बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो यही एक प्रोसेस है जो कि बहुत अच्छा अपडेट दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।